बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम फिज़िक्स यूनिट 4 कर रहे हैं, उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में आज हम करेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस, हाउ टू फाइंड नेट फोर्स बाय ग्राफिक मेथड। प्यारे बच्चों, जब हम इतनी मुश्किल फिज़िक्स याद करते हैं तो कभी आपने सोचा कि अल्लाह का दोस्त बन जाएं? अल्लाह का दोस्त बनने के बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि अल्लाह हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल कर ले जाता है। और शैतान जो है, अगर हम अल्लाह के दोस्त नहीं बनेंगे तो शैतान काबू कर लेगा, जो कि हमें अंधेरों की तरफ दावत देता है। अल्लाह का दोस्त बनना बहुत आसान है। अल्लाह की किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ने इसमें बहुत सी निशानियाँ रखी हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तिलावत करने का भी बहुत सवाब है, लेकिन जब तक हमें पता ना चले कि कुरान हमें कह क्या रहा है, ना तो हमारा उस पर ईमान मजबूत होता है, ना ही वो चीज़ हमारे अमल में आती है। तो आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने रब्बे कायनात से दोस्ती करनी है और उसकी भेजी हुई किताब को तर्जुमे से पढ़ना है। अब हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और आपको पता है कि वेक्टर ऑलवेज हैज़ अ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यानी उसकी मिकदार भी होती है और उसकी सिमत भी होती है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी को वी कैन नॉट ऐड फोर्सेस बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल, हिसाब या रियाजी के आम असूलों के मुताबिक जमा तफरीक नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिजल्टेंट फोर्स। वेक्टर्स को, फोर्सेस को जब जमा करते हैं तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलती है। सिंपल डेफिनेशन है, रिजल्टेंट फोर्स आल्सो कॉल्ड अ नेट फोर्स इज अ फोर्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। वेक्टर्स आर एडिड बाय ड्राइंग द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट टिप टू द टेल मेथड। द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। जो मेथड ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस है उसको हम वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, और आखिरी जो वेक्टर होता है उसके हेड से पहले वेक्टर की टेल तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स होती है। तो आए इसका स्टेप वाइज प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। हमें जब वेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं तो हमें एक सूटेबल स्केल सिलेक्ट करना होता है। फिर आप ग्राफ पेपर लेते हैं और उसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इट हैज़ अ टेल एंड हेड। वेक्टर्स कैन बी सेड टू हैव अ बिगिनिंग पॉइंट, नुक्ता आगाज़, और एंड पॉइंट, नुक्ता इख्तिताम। एंड पॉइंट जो होता है वो हेड होता है, और स्टार्ट पॉइंट जो है वो टेल होती है। द शार्प एंड ऑफ द एरो इज़ द वेक्टर्स हेड एंड द बेस ऑफ द एरो इज द टेल। टू ऐड टू वेक्टर्स ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर बी सो दैट इट्स टेल मीट्स द हेड ऑफ द फर्स्ट ए। आप देख रहे हैं दायरे के अंदर कि एक की जो हेड है वो दूसरे की टेल से ज्वाइन करना चाहिए। दिस इज़ रेफर टू एज ज्वाइनिंग योर वेक्टर्स हेड टू टेल। इस मेथड को हेड टू टेल रूल कहते हैं। इफ़ यू आर ओनली एडिंग टू वैक्टर्स, दिस इज ऑल यू आर नीड टू डू बिफोर फाइंडिंग योर रिजल्टेंट वैक्टर ए प्लस बी। जो हेड और टेल को वैक्टर ज्वाइन करता है उसको रिजल्टेंट वैक्टर कहते हैं। इफ़ एडिंग आर सब्सट्रैक्टिंग मोर देन टू वैक्टर्स, ज्वाइन ऑल अदर वैक्टर्स हेड टू टेल इन सीक्वेंस। तरतीब के साथ एक का सर और दूसरे की टेल के साथ वैक्टर्स को ज्वाइन करते जाएँ, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो आप आखिरी वेक्टर जो है उसके हेड से पहले वेक्टर की टेल को मिला देंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मिल जाएगा, या नेट फोर्स, हासिल शुदा जो फोर्स है वो इससे मिल जाएगी। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एडिशन ऑफ फोर्सेस। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस। थ्री फोर्सेस हैं हमारे पास, 12n along x axis, 8n making an angle of 45 degree with x axis and 8 newton along y axis. तो सबसे पहले हमने स्केल आइडेंटिफाई किया,
1 cm इज इक्वल टू 2 न्यूटन के हम 1 cm लेंथ जो है इक्वल टू 2 न्यूटन। दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे रिप्रेजेंट द फोर्सेस बाय वेक्टर्स F1, F2 एंड F3। तो हमने इनको इस तरह से लिख देते हैं, F1 जो है हमारे पास 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, F2 8 न्यूटन अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, और F3 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ड्रॉ वेक्टर्स ऑन ग्राफ अकॉर्डिंग टू द स्केल एंड फॉलो हेड टू टेल रूल। तो ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया, उसके ऊपर हम पहले F1 जो है वो वेक्टर ड्रॉ किया, उसके हेड से हमने F2 को ड्रॉ किया 45 अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर हमने वाई एक्सिस पे F3 को ड्रॉ किया। अब हमने जो है वो ज्वाइन करना है, मिलाना है हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू गेट आर रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम देख रहे हैं कि जो रेड लाइन है ये रिजल्टेंट फोर्स है, हमने हेड ऑफ द लास्ट F3 वेक्टर से हमने बेस या टेल ऑफ द F वेक्टर को ज्वाइन किया, तो हमारे पास F रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है मेजर द AD एंड मल्टीप्लाई विद 2 cm 1 cm द स्केल टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स F, क्योंकि हमने स्केल जो है वो 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm, तो हम D से A की लेंथ मेजर करेंगे और उसको सेंटीमीटर्स को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। इसके लिए एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है कि हम मेजरमेंट बिल्कुल सही तरीके से लें, और फिर हम जो है यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर मेजर द एंगल DAB विच द फोर्स मेक्स विद एक्स एक्सिस, दिस विल गिव डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो आप प्रोट्रैक्टर लेके हमने इसका जब एंगल मेजर किया तो 37 डिग्री आया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द F एंड मैग्नीट्यूड इज फाइंडिंग आउट बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर। उम्मीद